यूपी चुनाव को लेकर सपा ने अब तक के प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर दी है, लेकिन अब इन उम्मीदवारों के नामों पर सियासत तेज हो गई है। उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव पर निशाना साधा और कहा कि सपा की सूची में यूपी के गौरव को मिट्टी में मिलाने वाले और अपराधियों के नाम शामिल हैं, जो प्रदेशवासियों का अपमान है। जो लूट योजना की नींव रखी थी, जो गुंडागर्दी का एक नींव रखने का काम किया था, उसका अस्पष्ट स्वरूप आपकी सूची के माध्यम से दिखाई पड़ता है। एक तरफ अब्दुल्ला आजम है, एक तरफ मोहम्मद आजम खान, एक तरफ नाहिद हसन है, एक तरफ सोलंकी है, एक तरफ महबूब अली, जैसे ऐसे नाम आपकी सूची में देखने को आज मिले हैं, जिससे यह अस्पष्ट हो जाता है कि आपकी सोच कैसी है। यह सोच आपकी स्पष्ट तौर से उत्तर प्रदेश की जनता को आप डराने के लिए, धमकाने के लिए कि देखो मेरे पास गुंडों की फौज है प्रत्याशियों के रूप में, अगर समाजवादी पार्टी को वोट नहीं दिया तो मैं तुम्हारा क्या हश्र करूंगा। लेकिन यह याद रखिए श्री अखिलेश यादव जी, अब आपसे डराने के कारण से उत्तर प्रदेश की जनता डरने वाली नहीं है, और इन गुंडों के बारे में उत्तर प्रदेश जनता पूरे दृढ़ विश्वास के साथ कहना चाहती है कि गुंडे और अपराधी और माफिया अब यूपी से पलायन करेंगे, जेल में जाएंगे, लेकिन अब उत्तर प्रदेश की जनता न डरेगी न पलायन करेगी। उत्तर प्रदेश 2012 से 2017 के बाद बीच में जो दुर्दिन देखा है, उस दुर्दिन को कभी भूल नहीं सकती।